नमस्कार। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पैकेज ऑफ प्रैक्टिस फॉर मैरी गोल्ड कल्टिवेशन। मैरी गोल्ड एक इम्पॉर्टेंट फ्लावर है। इसकी खेती कैसे करते हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से बेसिकली इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इस डिस्कशन में इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बताऊँगा हाईलाइट में हम इम्पॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे, क्यों खेती करते हैं मैरीगोल्ड का उसके बारे में जिक्र करेंगे। फिर हम बात करेंगे क्लाइमेट एंड द सोयल, किस तरह के क्लाइमेट और सोयल आइडियल हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए, मैरीगोल्ड प्लांट के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण वैरायटी है, इस वैरायटी का क्या खासियत है, कब कल्टिवेट करते हैं। उसके बाद है प्रोपोगेशन मेथड, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रोपोगेशन मेथड हैं जिसका उपयोग हम मैरीगोल्ड कल्टीवेशन के दौरान करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कल्टीवेशन एंड अ प्लांटिंग। कल्टीवेशन एंड अ प्लांटिंग में प्लांटिंग का टाइम क्या है, क्या क्या इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, उसके बारे में जानेंगे। और फिर उसके बाद हम जानेंगे न्यूट्रिशन, एरिगेशन, आफ्टर केयर, तो ये पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हैं और पेस्ट कौन से हैं, हार्वेस्टिंग का टाइम क्या है, हार्वेस्ट से यील्ड कितना मिलता है, हार्वेस्टिंग के बाद में स्टोरेज कैसे करें, और कौन कौन से पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक हैं। तो इनका ब्रीफ स्टडी करेंगे इन सब पॉइंट पे, मैरी गोल्ड कल्टिवेशन कैसे करते हैं उसके बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके डिस्कशन करना। पहले हम बात करते हैं कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका टीचिंग का सोर्स क्या है। तो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर ICAR द्वारा पब्लिश, काफ़ी रिलायबल कंटेंट रहता है, इसलिए हम इसी को ही मुख्य सोर्स मान रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और भी सोर्सेस से ये कंटेंट उठाया गया है, इस पे जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित। सबसे पहले हम बात करते हैं किसान मैरीगोल्ड क्यों खेती करता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, इम्पॉर्टेंस है। पहले बताता हूँ कि मैरीगोल्ड को बॉटनिकली टैजिटिस कहते हैं और इसे टैजिटिस स्पीसीज के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये एफ्ट्रेसी या कंपोजिटी फैमिली को बिलोंग करता है। किस फैमिली को? कंपोजिटी। ये एग्ज़ाम में आता है कि मैरीगोल्ड किस फैमिली को बिलोंग करता है, कंपोजिटी। आपने डिस्कशन के दौरान देखा बहुत सारे जो फ्लावर क्रॉप हैं वो इसी एफ्ट्रेसी या कंपोजिटी फैमिली को बिलोंग करते हैं। आगे जानेंगे इसका कॉमन नेम रोज ऑफ इंडीज है। रोज ऑफ इंडीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडीज एरिया है, उस एरिया में काफ़ी बड़े पैमाने पे खेती करते हैं। इंडीज रीजन का मतलब होता है साउथ अमेरिका से, साउथ अमेरिका के आसपास का एरिया, उसके नॉर्दर्न एरिया। नेटिव ऑफ साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको। मैरीगोल्ड है वो साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका यानी कि मैक्सिको रीजन का ओरिजिन प्लेस है। 1 मिनट प्लीज। आगे हम बात करेंगे ये इसलिए पॉपुलर है मैरीगोल्ड कल्टीवेशन, बिकॉज मैरीगोल्ड ये प्लांट है, ये हार्डी नेचर है, हार्डी नेचर का है। किसी भी हार्ड इन्वायरमेंट में जहाँ वाटर की कमी है वहाँ पे भी ये बेहतर ढंग से कल्टीवेट हो जाता है। इजी इन कल्टीवेशन एंड वाइड एडाप्टेशन, यानी कि किसी भी जगह में, किसी भी इन्वायरमेंट में ये बेहतर ग्रोथ करता है, इसीलिए मैरीगोल्ड की खेती आसानी से लोग करते हैं। एक और बताता हूँ, ये टैजिटिस जीनस को बिलोंग करता है। इस जीनस में लगभग 33 स्पीसीज आते हैं और बेसिकली हम देखते हैं कि कौन कौन से मेन कल्टीवेटेड स्पीसीज है। कल्टीवेटेड स्पीसीज में पहला आता है टैजिटिस इरेक्टा। यहाँ पे आप देखेंगे ये टैजिटिस इरेक्टा है,
इसके अतिरिक्त आता है टैजिटिस पेटुला, यहाँ छोटे साइज के होते हैं, टैजिटिस इरेक्टा है वो बड़े साइज के होते हैं फ्लावर उसका, और यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है टैजिटिस पेटुला। इसके अतिरिक्त टैजिटिस माइन्यूटा है, ये चंदैनी गेंदा बोलते हैं, काफ़ी छोटे साइज का होता है, अलग अलग कलर का होता है, इसका लाल कलर काफ़ी फेमस होता है। तो ये कल्टिवेटेड स्पीसीज हैं, इनको आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए यदि हो सके तो। उसके बाद हम जानेंगे कि बेसिकली हमारे इंडिया में मैरीगोल्ड की खेती बेसिकली कर्नाटक और गुजरात में मुख्य तौर पे होता है, इसके अतिरिक्त साउथ या वेस्ट बंगाल एरिया भी फेमस है। हम जानेंगे एमंग द लूज फ्लावर ग्रोन इन इंडिया मैरीगोल्ड रैंक्स फर्स्ट इन एरिया एंड प्रोडक्शन टर्म, यानी कि प्रोडक्शन और एरिया दोनों में ही मैरीगोल्ड पहला स्थान को हासिल करता है जो लूज फ्लावर हैं उनके तुलना में। लूज फ्लावर जिनसे गार्लैंड बनता है, जिसके स्टेम नहीं होते हैं, उन्हें लूज फ्लावर कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है एग्जाम के हिसाब से, मैरीगोल्ड रैंक फर्स्ट इन एरिया एंड प्रोडक्शन एमंग द लूज फ्लावर। उसके बाद हम बात करेंगे क्लाइमेट एंड सोयल, किस तरह के क्लाइमेट और सोयल आइडियल होते हैं मैरीगोल्ड कल्टिवेशन के लिए, ये जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि मैरीगोल्ड को हम किसी भी सीजन में, समर में, रेनी में, विंटर में कल्टिवेट कर सकते हैं पूरे कंट्री भर के हिस्से में। दूसरी बात यह है कि माइल्ड क्लाइमेट है और फुल सनशाइन है, ये महत्वपूर्ण कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है मैरीगोल्ड कल्टीवेशन के लिए। यहाँ पे हम जानेंगे मैरीगोल्ड हाईली सेंसिटिव है एक्सट्रीम कोल्ड के लिए, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड पड़ता है उस जगह में कल्टीवेट करना सजेस्ट नहीं करते। इसके अतिरिक्त ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन रेंजेस फ्राम 18 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये फैक्ट आता है। व्हाट इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन फॉर मैरीगोल्ड कल्टिवेशन, आंसर इज ए 18 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अतिरिक्त हम जानेंगे फ्रेंच मैरीगोल्ड, फ्रेंच मैरीगोल्ड है जिसे कहते हैं टैजिटिस पेटुला, ये फ्रेंच मैरीगोल्ड याद रखना, टैजिटिस पेटुला को ही फ्रेंच मैरीगोल्ड कहते हैं। इट इज़ द मोर सेंसिटिव टू ए टेम्परेचर दैन द अफ्रीकन मैरीगोल्ड दैट इज कॉल्ड द टैजिटिस इरेक्टा विथ रिगार्ड टू द फ्लावरिंग, यानी कि जब फ्लावरिंग आते रहता है उस समय में टेम्परेचर मोर सेंसिटिव कौन है टेम्परेचर को, वो है फ्रेंच मैरीगोल्ड टैजिटिस पेटुला, और ये अफ्रीकन मैरीगोल्ड है, ये टेम्परेचर के एब्रप्शन को, बदलाव को भी बर्दाश्त कर लेता है। आप देखेंगे ये काफ़ी बड़ा होता है साइज में, इतना बड़ा बड़ा इसका फ्लावर होता है अफ्रीकन मैरीगोल्ड टैजिटिस इरेक्टा, इरेक्टा से है सीधा ऊपर की तरफ जाता है, बड़े हाइट के होते हैं, इनका कैनोपी यानी कि पत्तियों का कवरेज है वो भी ज़्यादा होता है। आगे हम बात करते हैं सोयल, सैंडी लोम सोयल्स आर हाईली सुटेबल फॉर मैरीगोल्ड कल्टिवेशन। इस तरह से सोयल की बात करें तो सैंडी लोम सोयल्स आर द आइडियल एंड द सोयल पीएच ऑफ 7 to 7.5 इज आइडियल फॉर द कल्टिवेटिंग मैरीगोल्ड, तो ये भी एग्जाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। वैसे जिन पॉइंट को आपको नोट करके चलना चाहिए उसको मैं ऑलरेडी कलर कर दिया हूँ, जिससे कि आपके लिए इस तरह से आसानी हो ओन पॉइंट को पिकअप करने के लिए एग्ज़ाम के हिसाब से। आगे हम बात करेंगे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट वैरायटी हैं मैरीगोल्ड के जिन्हें इंडिया में कल्टिवेट किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे वैरायटी विच बिलोंग टू द अफ्रीकन ग्रुप दैट इज़ द टैजिटिस इरेक्टा। लेट अस सी व्हाट आर दोज इम्पॉर्टेंट वैरायटी ऑफ अफ्रीकन ग्रुप। फर्स्ट इज ए अर्का भांगरा, अर्का भांगरा इट लुक लाइक दिस, अर्का भांगरा इज डेवलप्ड फ्राम IIHR बेंगलोर, तो बेसिकली IHR बेंगलोर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर से डेवलप है, तो अर्का भांगरा। इसके अतिरिक्त क्राइसेंथेमम चार्म है, ये याद रखना क्राइसेंथेमम चार्म है, बिल्कुल खिलता है क्राइसेंथेमम गुलदाउदी की तरह, और इसीलिए इसे क्राइसेंथेमम चार्म कहते हैं। क्रैकर जैक, क्रैकर जैक इस तरह से होता है, और क्रैकर जैक का जो लीफ होता है ये फटने से लगता है,
एक अलग ही पूरी तरह खिलता है, इसीलिए इसे क्रैकर जैक कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम क्यूपिड येलो के बारे में जानते हैं, और है इंका हाइब्रिड भी एक महत्वपूर्ण अफ्रीकन वैरायटी है। लेट अस सी द पूसा बासमती गेंदा। पूसा बासमती गेंदा इज क्वाइट पॉपुलर इन द लास्ट ईयर्स। पिछले कुछ सालों में पूसा बासमती गेंदा काफ़ी पॉपुलर हुआ। पूसा नारंगी गेंदा, ये नारंगी कलर का होता है, काफ़ी पॉपुलर है। पूसा नारंगी गेंदा बड़ा ही फेमस है ये भी वैरायटी। लेट अस नाउ सी अबाउट ए फ्रेंच प्लांट और फ्रेंच मैरीगोल्ड कॉल द टैजिटिस पटूला। ये मिनिएचर नेचर के होते हैं, छोटे हाइट के होते हैं। सी फर्स्ट इज ए हारमनी। हारमनी इज ए क्वाइट स्मॉलर। इसे चंदैनी गेंदा भी कहते हैं। चंदैनी गेंदा छोटे साइज के होते हैं और लाल कलर के सराउंड से होते हैं, बीच में येलो कलर का दिखाई देता है इफ जैसे, तो इसे कहते हैं फ्रेंच प्लांट और ट्रेजिटिस पटूला। उसके बाद लेमन ड्रॉप इस कैटेगरी को बिलोंग करता है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे, आप देखें यह है नॉटी मैरिटा। यहाँ पे चारों तरफ में येलो है, सेंटर में बेसिकली यहाँ पे लाल कलर है। इस नाटी मैरिटा को बेसिकली राम गेंदा भी कहते हैं। ये लंबा हाइट होता है, इसका स्टेम पतला होता है, और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं लीफ है वो भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं नॉर्मल मैरीगोल्ड प्लांट की लीफ की तुलना में। इसका फ्लावर भी काफ़ी अलग होता है, सिंगल इस तरह से लगा होता है, और इसका स्टेम कमज़ोर होता है ओवरऑल। उसके बाद हम जानते हैं पूसा अर्पिता। पूसा अर्पिता भी चंदैनी गोंदा का ही एक टाइप है, ये भी काफ़ी फेमस है। आगे हम बात करेंगे रेड ब्रोकेट। फिर हम बात करते हैं रफ्टी रेड, यानी कि जंग जिस तरह से रफ्ट का लाल कलर होता है, उस कलर का ये फ्लावर काफ़ी फेमस है। रफ्टी रेड इज़ क्वाइट फेमस। नाउ लेट अस टॉक सम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड, यानी कि दो स्पीसीज में क्रॉस करके बनाया हुआ। तो किस किस स्पीसीज को क्रॉस कराते हैं? अफ्रीकन मैरीगोल्ड जो बड़ा हाइट का होता है, और फ्रेंच मैरीगोल्ड जो कि छोटे हाइट का होता है। इन दोनों को क्रॉस करा करके इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड बनाते हैं। लेट अस सी, जब अफ्रीकन मैरीगोल्ड का एज ए मदर यूज करते हैं, तो इस अफ्रीकन मैरीगोल्ड जो कि बड़े फ्लावर करते हैं, इसका फ्लोरीफेरसनेस हाइब्रिड में आता है। फ्लोरीफेरसनेस यानी कि बहुत बढ़िया से फ्लावर आना, भर के फ्लावर आना। जबकि फ्रेंच मैरीगोल्ड है, इससे क्या आता है, फ्रेंच मैरीगोल्ड में ब्रांचिंग खूब होता है, तो फ्रेंच मैरीगोल्ड से ब्रांचिंग बहुत भर के आता है। तो इस तरह से ये दोनों प्रॉपर्टी है, फ्रेंच मैरीगोल्ड से ब्रांचिंग और अफ्रीकन मैरीगोल्ड से फ्लोरीफेरनस, ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड में आता है। आगे जानेंगे जो ये हाइब्रिड हैं इनमें क्या खासियत होती है। ये ट्रिप्लॉयड नेचर के होते हैं, स्टराइल होते हैं, हर बार नया इनका सीड लेना पड़ता है, और ये लॉन्गर ब्लूमिंग पीरियड हैं, लंबे टाइम तक खिले होते हैं, जिससे जहाँ भी गार्डन में लगाते हैं वो डिस्प्ले बहुत बढ़िया आता है। आगे हम बात करेंगे इसको, इसके एग्जांपल हैं हाइब्रिड के, सो बोट नगेट और रेड सेवन स्टार, ये फेमस इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड हैं मैरीगोल्ड के। आगे हम चलते हैं प्रोपोगेशन पे। मैरीगोल्ड की कल्टीवेशन करते समय में नया प्लांट के लिए क्या यूज़ करते हैं? आंसर है Oh, mm-hmm.